हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल लर्न विथ सूर्या में। आज हम सीखने जा रहे हैं एक ऐसा प्रश्न जो हमेशा अलग अलग प्रतियोगी परीक्षाओं में बार बार ये क्वेश्चन हमेशा हमसे पूछा जाता है। तो क्वेश्चन ये है कि निम्नलिखित संख्याओं में से क्या जोड़ दें कि संख्या 3 से विभाजित हो जाए। यानी ये कई सारी संख्याएँ हमारे पास हैं, अब इसमें हमको कुछ एक ऐसी न्यूनतम संख्या, छोटी से छोटी संख्या ऐसी जोड़ देनी है जिससे ये संख्या 3 से पूर्णतः यानी पूरी तरीके से विभाजित हो जाए। तो इस क्वेश्चन को हल करने के लिए सबसे पहले हमको 3 से विभाज्यता का नियम जो होता है वो हमको याद ध्यान में रखना होगा। तो ये 3 से विभाज्यता का नियम होता है कि संख्या के अंकों का योग 3 के पहाड़े में आता है तो संख्या 3 से विभाजित हो जाएगी। यानी किसी संख्या के अंकों का योग देख करेंगे, अगर वो उसके अंक संख्या के अंकों का योग अगर 3 के पहाड़े में आ रहा है तो संख्या वो 3 से विभाजित हो जाएगी। तो चलिए पहला नंबर क्वेश्चन इसमें कर लेते हैं। पहला नंबर क्वेश्चन है ये 427, यानी 427 को हमको इसमें, अभी तो ये 3 से विभाजित नहीं है, इसमें हमको कोई ऐसी संख्या जोड़ देनी है, छोटी से छोटी संख्या ऐसी ढूंढनी है जिसको हम जोड़ दें तो ये 3 से विभाजित हो जाए। तो इसके लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे कि सारे इस संख्या के अंकों को जोड़ देते हैं। तो 4 + 2 + 7, तो इसको जोड़ने पर 4 × 2 = 6 और 7 × 6 = 13, यानी 13 आ रहा है। अब 13 3 से विभाजित नहीं है, तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा हमको कि अब इसमें अगर 3 का पहाड़ पढ़ते हैं तो 12 आता है, 12 के बाद 3 × 3 = 12, 3 के बाद 15 आता है। तो यानी हम इसमें अगर 2 जोड़ देते हैं तो ये हो जाएगा 15, और 15 3 से विभाजित हो जाएगा। अतः इस संख्या में भी हम अगर 2 जोड़ देंगे तो संख्या 3 से विभाजित हो जाएगी। यानी 427 में अगर हम 2 जोड़ देते हैं यानी तो इसको जोड़ने पर जो आएगा यानी 429 आएगा, तो 429 जो होगी वो 3 से विभाजित हो जाएगी। तो इसको इस तरीके से करना है। ये क्वेश्चन और यहाँ पर दिया हुआ है, इसको भी देख लेंगे तो सारा चीज़ आपको क्लियर हो जाएगा। यह है 15421, अब ये भी 3 से विभाज नहीं है, तो इसको कैसे करें, क्या जोड़ दें, कि कौन सी छोटी से छोटी संख्या हमको ढूंढना है कि इसमें कौन सी छोटी से छोटी संख्या जोड़ दें कि 3 से विभाजित हो जाए। तो इसमें हमको क्या करना पड़ेगा, सारे अंकों को पहले ऐड करना पड़ेगा। तो 1 + 5 + 4 + 2 + 1, यानी सबको ऐड करने पर 2 × 1 = 3, 4 × 3 = 7, 7 × 5 = 12, 13 आ रहा है। इसमें भी 13 ही आ रहा है जोड़ने पर, तो इसको और हम अगर चाहें तो एक बार और जोड़ सकते हैं, 13 आ रहा है तो 1 + 3 यानी कुल मिला करके 4 हो गया। तो 4 में अब हम क्या जोड़ दें कि ये 3 से विभाजित हो जाए, तो 4 में अगर हम 2 जोड़ते हैं तो ये 6 आ जाता है जो 3 के पहाड़ी में आता है, यानी 3 से विभाजित हो जाता है। तो अतः इसमें भी, इस संख्या में भी हमको क्या करना पड़ेगा, 2 जोड़ना पड़ेगा, 2 जोड़ देंगे तो ये संख्या यानी 15421 3 से विभाजित हो जाएगी। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को करना है। तो उम्मीद है ये समझ में आ गया होगा। ऐसे ही लगातार क्वेश्चन को समझने के लिए, ऐसे ही वीडियो पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। धन्यवाद।